Hello and welcome to this very special interview. We have with us social media researcher Ajayendra Urmila Tripathi. Thank you so much, sir, हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम अजयेंद्र सर से बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में और कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाता है डिफरेंट नरेटिव्स बनाने के लिए और ओपिनियंस चेंज करने के लिए इन दिस कंट्री. सर, 25 जनवरी व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लैंडेड एट कोलकाता एयरपोर्ट, उस दिन बस 24 घंटे के अंदर ही उनका एक पोस्ट था जो कि 1 मिलियन लाइक्स उस पे आ गए. मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है या फिर ये रियल लाइक्स थे? क्या मामला क्या है यहाँ पे? हाउ डज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट? व्हाट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम? देखिए, लाइक्स हम लोग मान सकते हैं कि ये रियल हो सकते हैं, लेकिन इसको जैसे लाया गया है ना, या लाने की कोशिश जो की गई है, वो सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग टेक्निक्स और मॉडल्स ऑपरेंडी उसकी अलग होती है. सो उनको यूज करके आप लाइक को थोड़ा तेज बटोर सकते हैं या ज्यादा आ सकता है. मैं बहुत दिनों से, जब से ही वेरीफाइड ये सारे पेजेस हमें फॉलो कर रहा हूँ, और उसमें मुझे दिखा कि आप देखेंगे शुरुआत में ऐसा नहीं है कि ये 10 मिलियन क्रॉस हुआ 24 घंटे में. इसके आगे और पीछे के पोस्ट भी देखेंगे तो उन्होंने भी मतलब 5-6 लाख लाइक्स तो हैं सारे पीछे के पेजेस पे. इनके पेज पे वैसे भी 4 करोड़ के आसपास लाइक्स हैं इनके ऑफिशियल पेज पे. हाँ, मतलब कुछ लोगों ने बोला था कि कुछ लोगों ने बोला था कि बस 24 घंटे में नहीं हुए और 1 मिलियन लाइक्स आ गए, तो कुछ लोगों ने बोला कि वो इट्स ऑर्गेनिक लाइक, बट देन अगेन कंट्रोवर्सी भी था कि इतना जल्दी कैसे लाइक्स आ सकता है. नहीं, ये बेसिकली स्टार्ट ऐसे हुआ कि जब 10 लाख लाइक हुए ना जैसे ही 24 घंटे में, तो अचानक से बहुत सारे हैंडल्स ने और न्यूज रिपोर्टर्स ने इसको वो करना शुरू कर दिया, इसको न्यूज बनाना शुरू कर दिया कि न्यूज, और उसके रिप्लाई में सारे कन्वर्सेशंस हुए और ये चीजें पॉपअप हुई कि भाई कैसे हो सकता है. हम ये नहीं कह रहे कि ये मतलब, एक होता है कि फेक लाइक के थ्रू आप लेके आते हैं. इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखिएगा कि ऐसा नहीं है कि फेक लाइक के थ्रू आप लेके आते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते हो. जैसे आप गए, बंगाल में इलेक्शंस हैं, आपको पता है, अब बंगाल के इलेक्शन में मोदी जी जा रहे हैं, उसके अपने मायने हैं. तो जैसे ही जाएंगे, उनकी सोशल मीडिया टीम एक हरकत में आती है और कहती है कि वैसे तो 5-6 लाख लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको जरा बूस्ट करेंगे तो एक न्यूज बन सकता है. 10 लाख लाइक्स, 1 मिलियन लाइक्स होना अपने आप में एक न्यूज बना सकता है, और उसको कवर करने के लिए अलग अलग रिपोर्टर्स को आप देखेंगे तो एकदम आ गए कि अरे 24 घंटे में 10 लाख लाइक आ गए और ये हो गए. उसको काउंटर करने के लिए कुछ और लोग आ गए जो कहे कि अरे देखो क्या ये लोग क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं. दूसरा एक और भी धड़ा आया जो कहा कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये फेक है. या तो जो भी कुछ हुआ, उसका फायदा किसको मिला कि वो सारे पेज, सारे उस पोस्ट को देखा गया, वो अभी और भी ज्यादा लाइक्स उसको आ गए हैं. तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिक मतलब कि जैसे मैंने कोई ट्वीट किया या आपने कोई ट्वीट किया और वो बिना फैलाए ही अपने कंटेंट के बलबूते वो एक जगह पे पहुंच जाए, तो इसको मैं ऑर्गेनिक, मैं ऐसे कोट करूंगा. लेकिन जब सोशल मीडिया टीम उसकी लक के और लाइक बटोरने का काम करती है, तो वो चीज लाइक्स तो रियल है लेकिन फैलाने के बाद आए हुए हैं. तो ये इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं कि ऐसे भी 5-6 लाख लाइक आ रहे थे, बेसिकली उसको इस पोस्ट को जानबूझ के फैलाया गया और उसके थ्रू लाइक आए. सर, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डेलिब्रेटली यूज किया जा रहा है ओपिनियंस एंड व्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में? बिल्कुल, ये तो शुरुआत से हो रहा है. जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है, अब मैं देखता हूँ, अगर फेसबुक को ना भी कहें तो ट्विटर तो पूरा पॉलिटिकल एक ऐसा केंद्र हो गया है कि जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं. पॉलिटिकल ही कोई भी कंटेंट है वो पॉलिटिकली ही देखा जा रहा है. आप सोशल कोई काम करके दे दो, आप किसी अच्छे काम या बुरे काम के लिए देखो, उसको पॉलिटिकल एंगल से ही देखा जा रहा है और उसको इस तरीके से बनाया गया है. तो हाँ, ये सही है कि अलग अलग टेक्निक्स यूज करके पॉलिटिकल गेन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जा रहा है, खासकर बोलूंगा ट्विटर. और कैसे कर रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज? हाउ आर दे यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू चेंज नैरेटिव? उनके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट आईटी सेल्स है जो कि इस पे काम करते रहते हैं. सो हाउ आर दे मैनिपुलेटिंग द ओपिनियंस इन फेवर ऑफ समथिंग एंड अगेंस्ट समथिंग? देखिए, इसको मैं अगर देखूं तो तीन भाग में इसको बांट सकते हैं कि पहला कि ये जो है एक ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट काइंड ऑफ है कि क्या हो रहा है कि जैसे अब इसको कैसे कर रहे हैं कि मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है और मेरे बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, फिर एक पूरी टीम है जो सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए बनाई गई है, उस टीम में
कुछ एक्चुअल हैंडल्स हैं जो अपने प्रोफाइल पिक्चर, अपने वीडियोस, अपने फोटोज के थ्रू अपनी बात रख रहे हैं, और दूसरा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हीं आईटी सेल की टीम ने फेक हैंडल्स क्रिएट कर रखे हैं। okay. इन सबको मिला जुला के एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब आपका ये सवाल है कि कैसे ये सोशल मीडिया की टीम काम कर रही है, तो मैं जैसे देखता हूँ कि ये पूरा इकोसिस्टम बन गया है, मतलब न्यूज रिपोर्टिंग, पॉलिटिकल व्यूज, इन सब चीजों का एक पूरा इकोसिस्टम है जो आपस में फेक न्यूज, फेक हैंडल्स, ये सारे लोग मिलके उस चीज को बढ़ाने या घटाने का काम कर रहे हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए या फिर बहुत सारे मोर्चे हैं उनको देखिए, ये सारे विंग्स बना के और ये सारे लोग अपने टीम को बना के ये लोग काम कर रहे हैं, फेक हैंडल्स को करते हैं। उसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की भी भूमिका है कि भाई उस तेजी के साथ उनके नहीं हो रहा है कि और इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक नहीं है, कोई एक पीछे इस खेल में। पहले तो ऐसा था कि सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन अब तो मैं समझता हूँ कि सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज और उन पॉलिटिकल पार्टीज के भी छद्म, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसे नाम की जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो ऑफिशियल नहीं लगेंगे, लेकिन वो उनके उनके पॉलिटिकल पार्टी को ही एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मतलब इसको एक तरीके से कह सकते हैं एक पॉपअप किया हुआ है, लाइक एक पॉपअप कर दिया गया है ताकि ऐसा ना लगे कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आ रहा है, बट है वही बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा है कि हम मतलब सोशल मीडिया को आप कैसे देख रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि भाई हम किसी नुक्कड़ पे बैठ के चाय पी रहे हैं और 10 लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो वही सेम चीज को थोड़ा ब्रॉडर वे में ले लीजिए कि हम लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे को नहीं भी जानते हैं, हम लोग एक दूसरे को वर्चुअली जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो रियल लोग हैं, रियल पीपल हैं और एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सर ये जी every time when there is a protest in this country, जैसे INTCA protest हो गया या फिर अभी farmers protest हो रहा है, हर वक्त ये देखा जाता है कि कुछ लोग या कुछ sections of society on social media platforms दो तरीके के narrative चलाते हैं। एक real news narrative change करने के लिए tweets होते हैं, videos share किया जाते हैं, लोग posts लिखते हैं, और दूसरा होता है कि protest को defame कर दिया जाए, ऐसे लोग भी हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि सारे प्रोटेस्ट्स को डिफेम कर दिया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जस्ट टू चेंज द नैरेटिव एज पर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द गवर्नमेंट? यही तो हो रहा है, यही तो किया जा रहा है और ये लगातार हो रहा है। मतलब आप देखिए कि 100-150 आईडीज, आप मैं अभी आज एक रिपोर्ट कर रहा था फार्मर प्रोटेस्ट पे, जी हाँ, कुछ लोगों ने 4-5 हैंडल्स ने और इससे ज्यादा, मतलब उनकी जो उनको रीट्वीट वगैरह करने वालों की संख्या है या वो एक ही तरह के ट्वीट करने वालों की संख्या है, तो उनको देखिए सैकड़ों में है। वो लोग एक ही बात को, मतलब वो पकड़े कैसे जा रहे हैं कि एक ही कंटेंट को सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एक फेक आईडीज थी जिन्होंने कहा कि भाई हमें वहां पे हमारे साथ, मैं एक महिला रिपोर्टर हूँ और मैं कल प्रोटेस्ट में गई थी और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया फार्मर्स ने, या जो लोग भी आए हुए थे कल की रैली में, 26 जनवरी की रैली में हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया। अब एक आधार पे अगर आप देखेंगे तो सारे लोग अब उसको 3,000-4,000 लाइक्स मिले हुए हैं, 1,000 से ऊपर रिट्वीट मिले हैं और बातें चल रही हैं इस पे बहुत सारे तरह की। लेकिन जब मैंने निकाला तो वो फेक हैंडल्स निकले, फिर एक हैंडल ने नहीं, 4 या 5 हैंडल ने एक ही तरह की बात की, एक ही तरह की बात की, कॉपी पेस्ट करके, और सारे अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही तरीके की चीज 4 या 5 और उनको निकालने के, उसके पीछे जब मैं गया कि कौन लोग फॉलो कर रहे हैं तो 2-4 को वेरीफाइड आईडीज फॉलो कर रही हैं, बड़ी बड़ी आईडीज फॉलो कर रही हैं, और ऐसा हो रहा है, ऐसा लगातार ऐसा किया जा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल बैकिंग पे वो काम कर रहे हैं, किसी एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। और ये कितना घिनौना है कि आप ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे, आप कुछ भी बोल सकते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या कुछ मतलब झूठ को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जो कि सच लगे, हाँ, और इस तरीके से आप लिख दीजिए और हजारों लाइक्स आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप डीबंक भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डीबंक कर रहे हैं, तो उनकी कितनी सुनी जा रही है या कितना उस पे इमोशनल एंगल हावी हो जा रहा है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि फेक न्यूज जो है वो पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा तेज क्यों फैलता है? Why does fake news spread faster than any good news या कोई पॉजिटिव न्यूज है, ऐसा क्यों है? मतलब डिजिटल इकोसिस्टम में ऐसा क्या है? देखिए
मतलब देखिए जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, उनकी कुछ खामियां हैं, प्लस की फेक न्यूज के पीछे का उद्देश्य देखेंगे, कोई भी ऐसे और न्यूज आप फैलाइए या करेंगे तो उसके लिए ऑर्गेनाइज एफर्ट थोड़े ही डालेंगे आप किसी भी तरह का, लेकिन फेक न्यूज के लिए हमेशा लगातार ऑर्गेनाइज एफर्ट डाला जाता है। इसीलिए MIT के कुछ रिसर्चर ने अभी एक डेढ़ साल पहले ही एक रिसर्च की थी, उसमें बताया 7 गुना तेज फैलता है फेक न्यूज। तो और उन्होंने उनकी सारी रिसर्च ट्विटर पे थी, ट्विटर इसलिए क्योंकि वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ना कि एक आपस में मतलब दोस्ती यारी वाले प्लेटफॉर्म नहीं है, वो बेसिकली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, तो इसलिए उस पर ज्यादा उसी पे रिसर्चेस सबसे ज्यादा की जाती है कि भाई आप जो बोल रहे हो ग्लोबली सुना जा रहा है या बोला जा रहा है। तो 7 गुना तेज फैला, उसके पीछे के रीजंस आप देखिए। अब ट्विटर में एक खामी है, वो ये है कि जैसे मैं हूँ या आप हैं, आप अपने सारे ट्वीट को डिलीट कर दीजिए, अपने हैंडल का नाम और उसका यूजर नेम और बाकी सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी ही दूसरी हो जाएगी, मतलब कौन आपको पकड़ सकेगा कि आप पहले क्या थे, आपका पता ही। जैसे फेसबुक में अगर आप करेंगे तो आपका आपके पेज ट्रांसपेरेंसी भी दिखा देता है कि भाई इससे पहले इस पेज का नाम ये था या ये था, इसको बाद में चेंज करके किया गया। ट्विटर पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब क्या है कि मैंने कुछ भी करके 10,000 फॉलोअर बटोरे, उसके बाद उस 10,000 फॉलोअर को बटोरने के बाद अब क्या होता है नेक्स्ट कि मैंने अपना आइडेंटिटी चेंज कर दिया और मैं कुछ बन गया, दूसरा कुछ बन गया। आज के डेट में मैं ए था और कल के डेट में एक न्यूज रिपोर्टर बन गया और अपने पुराने वाले पिछले सारे ट्वीट मैंने डिलीट कर दिए। अब जब मैं कोई ट्वीट करता हूं तो मेरे 7,000 फॉलोअर 10,000 फॉलोअर तो वही है ना जो थे, तो उनको लग रहा है कि वो रियल आदमी एक ट्वीट कर रहा है जो रिपोर्टर है, उसको तो पता ही नहीं कि मैंने अपना आईडी नाम चेंज कर दिया। तो वो जब मैं कुछ कह रहा हूं तो तुरंत उसको उसी की भाषा में दे रहे हैं और तुरंत पिक कर लिया जा रहा है। अब आज से 5 दिन पहले जल शक्ति यूपी, यूपी का ऑफिशियल एक हैंडल बनाया गया, जल शक्ति यूपी, और वो हैंडल किसी वाराणसी स्पीक्स नाम से पहले चल रहा था, 200K फॉलोअर्स थे और उसको कन्वर्ट करके जल शक्ति यूपी का बना। मैंने कुछ दिन पहले मतलब 5-6 दिन पहले इसको एक्सपोज किया, उसके बाद सारे लोगों को पता चल रहा है, सारे लोग इस बारे में बात करने लगे कि हाँ जी ये तो पहले कुछ और था और अब कुछ और बन के ऑफिशियल हैंडल। तो इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। तो अब ऐसे में फेक न्यूज अगर नहीं फैलेगा तो कैसे कौन फैलेगा? जैसे हम आप कोई बात कर रहे हैं रियल, तो वो कैसे फैलेगा? अब ये तो ऑर्गेनाइज्ड है, हमारे पहले से ही इतने फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया और चलाया। तो यही तीसरा चीज है कि फेक न्यूज को आप देखिएगा बड़ा इमोशनल एंगल या बहुत निगेटिव टाइप की, ना किसी एक के प्रति निगेटिव करके इसको डाला जाता है। और हम सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन नेचर में ऐसा होता है कि इमोशनल चीजें किसी के प्रति कोई निगेटिव, वो एक मतलब 0-1 के जो बात करता है ना, बाइनरी सिस्टम एक तरह से मान लीजिए, फैक्ट्स बाद में देखा जाएगा, पहले इमोशनल कनेक्ट देखा जाता है, इमोशनल कनेक्ट, और दूसरा कि बाइनरी में बात हो रही है, कोई ऐसे नहीं बात हो रही कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, ऐसे पिच किया जाता है। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि बाइनरी में कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब ऐसे ही आप प्रेटेंड करते हो कि ये ऐसा ही हो रहा है, तो वो तुरंत कनेक्ट करता है लोगों को और फिर उसको लोग शेयर धड़ाधड़ शेयर कर देते हैं। तो ऐसे में हमेशा होता है कि फेक न्यूज बहुत तेज स्प्रेड होता है। सर हमने बात करा कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज यूज देयर ओन प्लेटफॉर्म्स एंड पॉप्ड अप प्लेटफॉर्म्स टू चेंज नैरेटिव, क्या कॉर्पोरेशंस भी यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टू यू नो प्रोड्यूस कंटेंट अबाउट द प्रोडक्ट्स? कई तरह के यूज करते हैं। जब हम जब बात करते हैं कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए सोशल मीडिया जब भी आया और उसके बाद से पहले लोगों ने उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में जब देखा कि वो वही लोग हैं या उससे नैरेटिव चेंज किए जा सकते हैं, तो ऑफकोर्स बिजनेस उसमें आएगा। तो जैसे ही कोई भी तरह का एक एग्जाम्पल देखिए कि विनोद करके एक स्लेवी पॉइंट ने अपना रोस्ट किया था, उसको पेटीएम ने अपना नाम चेंज करके विनोद लिख दिया, तो उसके क्या मायने हैं? उसका ये मायने है कि वो न्यूज बना दिया कि पेटीएम ने अपना नाम चेंज करके विनोद कर दिया, ठीक है। ऐसे फ्लिपकार्ट कोई सेल ला रहा है, फिर कैसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं ये लोग, जैसे गिव अवे देंगे कि भाई हमारे पास 10 प्रोडक्ट है, हम ये चीजें आप फुलफिल करो सोशल मीडिया पे, जैसे यूट्यूब पे लिखेंगे कि सब लोग आपने अपने कमेंट डालिए और ये चीज लिखिए, और उसमें हम जो 10 लोग होंगे उनको गिव अवे करेंगे। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जिससे प्रमोट किए जा रहे हैं। ये तो दो तरह की बातें हो गई कि भाई इसको बोलते हैं ना पिगी बैक करना, कि कोई भी चीज जो चल रही है सोशल मीडिया पे उस पर पिगी बैक कर दिया किसी भी, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, पेटीएम हो, और उससे क्या रिलेवेंट भी दिखते हैं कि हाँ वो सोशली कनेक्टेड लग रहे हैं ऐसा भी, और अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति भी कर रहे हैं कि क्या चीज हो रहा है। इसके अलावा ये दो तरह की बातें हो गई। तीसरा होता है कि सच में ये लोग हायर करते हैं, मतलब सोशल मीडिया कंपनी इसको
हायर करते हैं कि भाई हमें हमारा प्रोडक्ट है और इस चीज को हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि भाई ये चीज करो तो लोगों से कनेक्ट कर जाओगे, तो 100 लोग बात करेंगे उसमें 100 लोग और जुड़ जाएंगे, ऐसे ही कि 100 लोग बात कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स आ जाएंगे, ये चीज का कनेक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा, ऐसे पिगी बैक करेंगे तो आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा सिस्टम कॉरपोरेट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, इवन लोग कर रहे हैं, लोग अपने पर्सनल हैंडल के प्रमोट के लिए बहुत सारे टेक्निक्स अपना रहे हैं, तो ये ऐसा किया जा रहा है। सर, एज अ सोशल मीडिया रिसर्चर, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं उन कंपनीज के बारे में, आर दे डूइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, आर दे डूइंग इनफ टू इन टर्म्स ऑफ की एक्शंस कॉम्बैटिंग फेक न्यूज, और कोई ऐसा ओपिनियन बनाया जा रहा है जो कि नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस पे काफी काम कर रही है या ऐसा ही मतलब सिर्फ बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ एलिगेशन है कि ट्विटर या फेसबुक ज्यादा काम कर नहीं रहे, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि फेक न्यूज नहीं फैलना चाहिए, बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग, दिस इज द एलिगेशन। ये एलिगेशन नहीं है, सच है। अगर हम आप सब लोग सोशल मीडिया को हम लोग देखें तो जिस तरीके से फेक न्यूज फैल रही है, और सबसे बड़ी बात है जैसे 2018-2017 से जो आईडीज चल रही हैं लगातार फेक इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, हेट स्पीच दे रही हैं, और वो अभी भी हैं अगर आप देखेंगे, किस परसेंट बंद हो रही हैं आप, हम सब लोग इस चीज को प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े नामों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया, बंद कर दिया, सस्पेंड कर नहीं, दिया, बट वो ट्रंप का अकाउंट बैन हुआ बहुत कुछ होने के बाद, लाइक पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्वीट किए जो कि प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन उस टाइम पे इन लोगों के स्टैंड अलग थे। जैसे जब शुरुआत में ऐसा हुआ था हेट स्पीच वाले मामले में, तो उस टाइम पे ट्विटर ने ब्लॉग लिख के बताया कि हम ग्लोबल वैश्विक ग्लोबल नेताओं के जो हैं वो ट्वीट को बंद नहीं करेंगे, पहला ये जब शुरुआत में इनके ऊपर रिपोर्ट हुआ तो ये स्टैंड आया। अब जबकि ट्रंप निकलने वाले थे उसके कुछ दिन पहले से लगातार मैनिपुलेटेड मीडिया और बाकी सारी चीजों का चलाया गया, तो अब एक धड़े को ये लग सकता है कि नहीं जी ये ट्विटर सही काम कर रहा है, लेकिन आप लगातार इनके पूरे पैटर्न को देखिए तो ये ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिस्ट टाइप का काम कर रहे हैं कि भाई कोई चीज चल रहा है उस चीज को और किसी बड़े लेवल पे बड़ी चीजों पे लेवल लगा दिया और बता दिया कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इंडिया में फेक न्यूज और हेट न्यूज फैलाने के मामले में पता नहीं कितने हैंडल सस्पेंड हो चुके होते। हेट स्पीच देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, वेरीफाइड हैंडल्स हेट स्पीच देते हैं करते हैं, और लगातार ये इकोसिस्टम में अपने बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, फेक न्यूज लगातार फैलाई जा रही है, ऑल्ट न्यूज, हॉक्स लेयर लगातार इनको काउंटर कर रहे हैं कि भाई ये फेक न्यूज है, इस पे उनको सफाई देने की क्यों जरूरत पड़ रही है या उनको बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था कि किसी हैंडल को ये बताना पड़े कि फेक न्यूज। फेक न्यूज के लिए सोशल मीडिया कंपनीज जो भी चला रही है, ओनर्स हैं, वो उसको हटाएं, डिलीट करें, मतलब या रिपोर्ट करने पर तो एटलीस्ट करें, हम लोग लगातार रिपोर्ट करते हैं, मतलब they are not doing enough. They are not doing enough. आप अगर ये enough करते तो हमको अचानक से कोई भी हैंडल जो जनवरी में आया है किसी ने दिया है वो डिलीट हो चुका होता। यहाँ 2016 से चले आ रहे हैंडल्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, उनको बड़े बड़े हैंडल्स फॉलो भी कर रहे हैं और वो फेक न्यूज हेट स्पीच फैलाए पड़े हैं, तो कि कोई भी ले पर्सन या ले मैन जिसको टेक्नोलॉजी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, द पर्सन डज नॉट नो मच अबाउट हाउ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम वर्क्स, हाउ कैन द पर्सन अवॉइड बीइंग ट्रैप्ड बाय फेक न्यूज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, वो कैसे खुद को बचा पाए कि ये फेक न्यूज है या ये सही न्यूज नहीं है, इसका विक्टिमहुड नहीं बनना है मुझे, जो कि ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। बेसिकली कोई एडवांस हो ना हो गलतियां सबसे हो जाती हैं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, आप मच अवेयर भी हो। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोग एक रेस में जा रहे हैं जिसमें सबको पहले लिख देना है, मतलब सब्र नाम की चीज नहीं है कि जैसे कोई भी चीज आ रहा है तो उस पर तुरंत रिएक्शन देने की जो होड़ लगी हुई है, ये यही जो है वो फेक न्यूज को फैलने में सबसे ज्यादा मदद करता है कि इतने सारे हैंडल्स हैं जो डिबंक कर रहे हैं, फैक्ट को निकाल के लेके आ रहे हैं कि ये फैक्ट है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने अपने अपने बना रखे हैं कि भाई हमने इसका फेक न्यूज, ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है, तो हम थोड़ा वेट कर लें अपने रिएक्शंस के लिए। भाई हम देख तो सभी कुछ रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हम फेक न्यूज भी देख रहे हैं, हम सही न्यूज भी देख रहे हैं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम कैसे बताएं, तो बेसिकली सिर्फ इतना कर सकते हैं
जो कुछ भी आ रहा है हमारे सामने उस पर रिएक्शन देने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस चेन को, ये फेक न्यूज वाली चेन को तोड़ने से बचा लेंगे। मतलब यहाँ पे वो अगर हम डिजिटल इंतजार नहीं स्पीड करेंगे, हम वर्सेस तुरंत रिएक्ट एक्यूरेसी करेंगे। का आर्गुमेंट आ जा रहा है, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। हाँ, क्योंकि आप जब स्पीड में चलेंगे तो ऐसा होगा। हो क्या रहा है कि अभी ऐसा थोड़ी ही है कि सिर्फ न्यूज ही फेक न्यूज आ रही है भाई, वीडियो को भी मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, उसमें आवाज बाहर से डाली जा रही है, और उस चीज का पता कभी कभी तो हम लोगों को नहीं लग पाता है कि सही है कि गलत है। आप लिपसिंग थोड़े ही चेक कर पाएंगे कि कैसे हो रहा है, एक समूह है जो कुछ बोल रहा है, आप उसको आप सही समझ लेते हैं। तो बेस्ट तरीका है जो मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ, मैं किसी को भी ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ इतना करिए कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकेंगे आप बिल्कुल 90% आप मान के चलिए कि आप फेक न्यूज स्प्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अब वो जो माइंडसेट में बना हुआ है कि आप ही जो शेयर करना है या तुरंत इमोशनल हो जाना है और उस तरीके से करना है, फिर फेक न्यूज को रोकने से आप नहीं रोक सकते। कोई भी हो, मतलब बहुत ही समझदार आदमी हो जो सारे टेक्निक समझ रहा है, उससे भी ये गलती हो जाएगी। बहुत तो बहुत धन्यवाद सर, टाइम देने के लिए, लॉजिकल इंडियन के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू।